एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल भाई हम आपने एक ऐसा मुआयना कराऊंगे, ऐसी चीज दिखाऊंगे जिससे कि आपको देखकर बड़ा दुख होगा कि ये लोग आखिर रह कैसे रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल हम पहुंचे हैं पानीपत के बपौली के ननेड़ा गांव में, और यहाँ ननेड़ा गांव में जो ग्रामीण है वो बहुत ज्यादा परेशान है, और परेशान की वजह जो है वो क्या है वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार दिखा दे। ये देख सकते हैं आप, ये कोई जोड़ नहीं है भाई, ये कोई नहर नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये रास्ता है। यहाँ का रास्ता जो मेन रास्ता है ये, और ये रास्ता देख सकते हैं आप किस तरह से पानी ओवरफ्लो होने के कारण ये रास्ता जो है एक जोड़ में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से परेशान हैं। ध्यान से दिखा भाई एक बार, क्लोज लेके दिखा। ये देखो इसमें कितनी गहरा है, कितना कीचड़ है इसके अंदर भी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर बीमारियां फैल रही हैं, यहाँ पे मक्खी मच्छर जहरीले सांप बहुत सारे मतलब जो है जीव जंतु यहाँ पे घरों में बढ़ जाते हैं, लोगों को रात भर जाग कर जो है अपने घरों में पहरा देना पड़ता है। फिलहाल ग्रामीणों से बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है, तो एक बार भाई आगे ना जा, आ जाओ उपरा ना जाओ, उपरा ना जाओ। राम राम भाई। राम राम जी। क्या कुछ मैटर है, ये कैसे पानी आया आपके गांव में इतना? ये कम से कम 3-4 महीने से है समस्या। ये जोड़ ओवरफ्लो हो जाता है, कोई निकासी का साधन नहीं है, बच्चे स्कूल में जाते हैं। ये मेन 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 गली है ये। अच्छा। सरकारी स्कूल इससे कम से कम 200 मीटर दूर है, और यहाँ पे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चों में बीमारियां भी हो रही है, आस पड़ोस के सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ठीक है, सरपंच से भी बात कर ली, हर जगह कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं आता, क्योंकि ये मेन गली है, उधर से घूम के चले जाते हैं। ये जो माहौल है कितने दिन से बना हुआ है? ये कम से कम 4 महीने से बना हुआ है। 4 महीने से लगातार पानी देख लो सड़ रहा है, यहाँ पे काई जमी हुई है। आप इसको थोड़ा नजदीकी से दिखाओगे, उधर भी दिखाओगे, काई जम चुकी है इसमें। ठीक है, जोड़ का देख लो आप, जोड़ ये है, सारा ओवरफ्लो हो रहा है, सारे मतलब पूरे गांव में इस 2-3 गलियां है बुरा हाल हो रहा है। तो ये भाई फिलहाल आप ननेड़ा गांव से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ननेड़ा गांव जो कि पानीपत का बपौली का एक छोटा विलेज है, जिसके अंदर ये हालात बने हुए हैं कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है। भाई बीजेपी की जो यहाँ पानीपत की जिला अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता जी, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि भाई आपका जब हमने पहले इंटरव्यू लिया अभी 10 दिन पहले, तो आपने बोला था कि मैं अपने हल्के वासियों के लिए तत्पर रहती हूँ। फिलहाल यहाँ ननेड़ा गांव में आप देख सकते हैं, और अर्चना जी ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है, कुछ शर्म कर लो। आपके हल्के के जो वासी हैं आपके वो परेशान है, लेकिन आप लोग इनकी कोई सुध नहीं ले रहे। फिलहाल ना यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी आ रहा है, ना कोई विधायक आ रहा है, किसी ने इनकी सुध नहीं ली है अभी तक। यहाँ पे बच्चे बीमार हैं, और बच्चों को स्कूल में आने जाने में, लोगों को घरों में आने जाने में, यहाँ तक कि पशुओं को बाहर भीतर ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ग्रामीणों से बात करेंगे, तो भाई एक बार सारे इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रशासनिक अधिकारियों से? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, पानी कटवा दो बस, बच्चे ज्यादा दिक्कत में है, सीढ़ी पे न ले जाने पड़े बच्चे। विधायक कौन है यहाँ का? धर्म सिंह छोकर है जी। धर्म सिंह छोकर जी, आपके लिए शर्म की बात है, आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान है, लेकिन आपके इलाके में जो है लोग इतने परेशान है, ये शर्म की बात है आप लोगों के लिए। सांप लिकड़े जी, तो जो करिश्मा ना इस पे रात ने कड़ी लगा के और उसके ऊपर कपड़ा लपेट का जब सोना पड़ा जी, दवाई गिरा रोज रोज स्प्रे करा इस तरीके से। और बच्चे और बूढ़े घर में कैद हो रहे हैं, बाहर निकलना जाता हूं। 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकली जी मेरी मम्मी, ये रही मेरी घर से बाहर ही नहीं निकली जी। ये आपका ही मकान है? हाँ जी, मेरा ही मकान है जी। तो भाई आप देख सकते हैं, बाहर किसी को आना जाना, किसी को घर पे चढ़ाई लग रही, वहां पर हमने इतनी दिक्कत हो रही बहुत ही ज्यादा, लेंटर भी लगे हमारा जी। हाँ जी, तो ये पूरे गाँव में ऐसा ही माहौल बना हुआ है यहाँ ही ज्यादा जी। अच्छा, हाँ, गली में भी है, जिस गली में भी है, 2-3 गली है जिनमें दिक्कत है, मेन गली है जी वो गांव की। निकलिया बारिश हुआ फिर भर जाए, बारिश हुआ फिर भर जाए, बारिश हुआ फिर भर जाए। तो धर्म सिंह को आपने वोट देके एमएलए बनाया है, तो उसके पास को आप लोग इकट्ठा होके गए हो, उनको सूचना दी इस चीज की? नहीं, वोट मांगने तो आ जाए जी, पानी के नाम का तो भी नहीं आता जी। बिल्कुल सही बात भाई,
जब आप लोगों को वोट की जरूरत होती है तब आप लोग इनके हाथ भी जोड़ते हो, पैर भी पकड़ते हो, लेकिन ये आपके लिए शर्म की बात है। जब इन लोगों को आपकी मदद की जरूरत होती है आप लोग यहाँ पर आते ही नहीं। तो धर्म सिंह जी आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ आगे ननेड़ा गांव में इन लोगों की समस्या का समाधान कराओ। तो आप क्या कुछ करना चाहोगे जी? मैं तो कहना चाहूंगा जी, एक बुजुर्ग आदमी है जी, घने दिन इस पैणी की सड़न से बीमार हो गया। जे पाल आगे सड़ते सी, अरे मैं कह लूंगा तेरे ना का, घने दिन 4 महीने हो गए जी बीमार, खट में गिल रहा कती, ठीक है, इस पैणी की सड़न ने बीमार कराया। तो भाई फिलहाल यहाँ पे जो लेडीज है उनसे भी बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बस ये कहना तो चाहवा पाओ तो बेकार हो रही, ना कहीं हलन की ना कहीं चलन की ना लिखन की, हम तो यहाँ बोल रहे हैं बढ़ रहे, हम तो नू कहना चाहवा ये पानी साफ हो जाओ, अरे अल्लाह ये गली बढ़िया रो जाओ, नू कहना चाह रहे हम। तो भाई आप देख सकते हो लेडीजों का कहना है कि हम तो कैद हो गए भाई यहाँ घर में, गोड्डों में पहले परेशानी है ज्यादा, घनी दिक्कत है, पैरों में चले नहीं जाता। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप क्या कुछ करना, इधर आ जाओ ना, आप इधर आ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं कर रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है? देखो सरपंच को बोलिया, सरपंच बोलिया पिछले सरपंच ने नहीं करया, ये सरपंच नहीं कुछ कर रहा, वोट मांगना जब तो पैरों में पड़ जा तो मैं हाथ जोड़े, सरपंच बना दिया पिछला, ये सरपंच तक है वो कह रहा कि पिछले सरपंच ने पैसा खा लिया, पैसा कोई भी खाओ हमने कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम जो ग्रांट आवे है गांव विकास के लिए उसको तो लगाओ, है धर्म सिंह छोकर है, पैरों में पड़ेगा, दारू बांटेगा, मिठाई बांटेगा, कम से कम हमारे लिए कार्रवाई तो करो, तभी तो मगर नेता बनावेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटे छोटे बच्चे है, हम भी आवे इधर, बच्चे है सांप है, अगर स्कूल वाले किसी बच्चे को सांप ने काट लिया तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, खाम होंगे कौन होगा, वे तो अपने बैंक जमा कर रहे है, हमारा हमारे बच्चों पे अगर कोई बुरा असर पड़ रहा है गंदे पानी का तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो भाई ये लेडीज बिल्कुल ठीक बोल रही है, यहाँ आप देख सकते हो अगर नरक आपने देखना है तो ये नरक है भाई, कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दे भाई, ये नरक है भाई, ये नरक, क्योंकि इन जो जिन लोगों के घरों के सामने ये तालाब भरा हुआ कि 8-10 दिन कम से कम वो रह के देखे इधर, क्या वो एक दिन भी रह लेंगे इस गंदे पानी के पास, और हम कैसे अपना जीवन जिएगा, हमारी तो जिंदगी बदतर है, हमारा खाने का रोटी खाने का भी मन नहीं करता इस पानी को देख के, इतनी बदबू मार है। तो ये बताओ बच्चे स्कूल में कैसे जावे, स्कूल के ड्राइवर है वो भी यहाँ बस लाने से गाड़ी लाने से मना कर रहे हैं, वो बोल टायर फंस जाते हैं उनके, बच्चों का पानी में से निकालना पड़ रहा है, कभी किसी की छतों पे से, छत पे से भी बच्चों को गिरने का डर, यहाँ से भेजेंगे यहाँ से भी गिरने का डर, ये बताओ आप कितने बच्चे यहाँ पे गिर लिए स्लिप होके, इसका जिम्मेवार कौन है, हमें तो जवाब चाहिए। तो भाई देती है, जब सरकार पैसा देती है गांव विकास के लिए तो देती होगी, अगर अपने बैंक बैलेंस जमा कराने के लिए देती है, हम ये बोलते हैं बस हमारे गांव का विकास सही करो, तुम्हें जितना पैसा खाना खाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा काम सुरक्षित होना चाहिए, हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे तभी हम सुरक्षित है। जब वे शपथ लेते हैं कोई सरपंच हो या नेता हो शपथ लेता है कि भाई मैं इन सब का ध्यान रखूंगा, क्या ध्यान रख रहा है, ध्यान रख रहा है, अगर हमारे किसी बच्चे को सांप ने काट लिया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, वो तो कुर्सी में बैठे एसी के अंदर बैठे, उन ये आके देखो ना कि हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं अपना। बिल्कुल भाई, इस लेडीज ने बहुत अच्छी बात कही है भाई, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन, ये चाहती हूँ कि एक बार कोई भी नेता सरपंच यहाँ 2 दिन रह के देख लो, उनको पता लग जाएगा कि जीवन को जीना कैसे किसे कहते हैं, निकाल के देख लो उसके किसी भी गार्ड को या उसको, उसकी गाड़ी भी नहीं आएगी, बॉडी गार्ड लेके जो घूमते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो हमारी सिक्योरिटी कौन देगा, जब वे शपथ लेते हैं किस चीज की शपथ लेते हैं वे, इसलिए जब तो वे ऐसे पैरों में पड़ जाते हैं आज वे देखने तक नहीं आते, अगर हमारे बच्चों का कुछ होगा तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, चाहे वो सरपंच हो या MLA हो या मोदी हो या खट्टर हो, कोई हमारी तरफ से सीधी साफ बात ही है हमारी। तो भाई देखो जैसा कि ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है और इन्होंने सीधा सीधा प्रशासन को जो है चेताने के लिए जो है चेतावनी दी है, भाई अगर हमारे बच्चों को किसी जहरीले जानवर ने जीव ने काट लिया तो उसका जिम्मेवार जो है सीधा प्रशासन होगा, उसका आरोप जो है प्रशासन पर ही लगाया जाएगा। फिलहाल मैं ये कहूँगा भैया नरक है नरक, बिल्कुल जिसको नरक कहते हैं वो नरक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो जिन लोगों के घरों के सामने पानी भरा हुआ है उन लोगों के लिए बिल्कुल नरक है भाई। दो बार आना है ना इधर हमारी इस तरीके से निकाल कर दिखा दो सरपंच ने, बेरा लग जा क्या चीज हो गंद। तो भाई बीजेपी की जो जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी उनसे भी अनुरोध करेंगे भाई यहाँ आके देखो आपके इलाके में कितनी जो है लोगों की दुर्गति हो रही है, यहाँ इनका समाधान किया जाए,
अर्चना जी आप जिला अध्यक्ष हैं। हम अगर भविष्य में कोई चुनाव होगा हम नोटा पसंद करेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबाएंगे। हम किसी कोई पार्टी का आएगा हम उसका बहिष्कार करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। हमारा जल्दी से जल्दी निपटारा करे, सोल्यूशन करे इस चीज का। और अगर कोई पार्टी कोई विकल्प को वोट लेने आती है तो किस हक से वोट लेने आएगी जब आज हमारा सोल्यूशन नहीं कर रहे। हमारे बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, घरों से बाहर नहीं जाते, तीन तीन चार चार महीने हो गए उनको अंदर। बिल्कुल सही बात कही भाई, ग्रामीणों ने बोला है भाई अगर यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी आ गए इनकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो आने वाले इलेक्शन में ग्रामवासी जो है वो सभी का बहिष्कार करेंगे। यहाँ किसी को वोट मांगने का भी अधिकार नहीं होगा, कोई किसी को ये गांव में नहीं बढ़ने देंगे। तो भाई जैसा इस भाई ने बोला है इस बात से आप लोग सहमत हो? किसी को वोट नहीं दोगे? कोई काम तो करता ही नहीं जी, ये कितनी दिक्कत हो रही है बताओ, ये कितनी दिक्कत हो रही है। वोट इन देने के नोटा दबाओगे जी हम तो, ठीक है जी। तो भाई यहाँ प्रशासनिक अधिकारी विधायक और सरपंच हम सभी से अनुरोध करेंगे भाई, देखो ये ग्रामीण बेचारे जो है परेशान हैं, आप लोगों ने देख भी लिया इनकी स्थिति क्या है, ये घरों में कैद हैं, ये घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, इतनी गंदगी जो है इनके बाहर है, लोगों का लैट्रिन का पानी सब कुछ यहाँ पे आगे जमा हो रहा है, तो इनकी समस्या का जो है समाधान किया जाए। फिलहाल और कुछ कहना चाहोगे भाई? सारे पड़ोसियों ने ना इकट्ठे करे पैसे, थोड़े थोड़े, किसी ने 5,000 किसी ने 2,000 जिसका जैसा बजट था, सारे पैसे इकट्ठे करके तब एक बार पानी निकलवाया था। जब हम खुद अपने पैसों से गांव का विकास करेंगे, अपनी गलियों का विकास करेंगे तो फिर हम वोट क्यों देंगे? फिर तो हम खुद में नेता, हम तो फिर खुद में सरपंच हो गए, फिर सरपंच बनाने का मतलब क्या हुआ? फिर हमें वोट मांगने के लिए जब तुरंत तुरंत पैसे बांटते हैं, पैरों में पड़ते हैं। अब मेरे को ये बताओ, हम टैक्स दे रहे हैं, हर टैक्स पेयर है, आम आदमी है, तो सरकार का फर्ज है ये काम करवाने का। लोगों को यहाँ से हर किसी को 1,000, 2,000, 5,000 रुपए इकट्ठा करके पानी निकलवाना पड़ता है, कहाँ गया प्रशासन? मंत्री एमएलओ के बच्चे तो सिक्योरिटी से चलते हैं, वे तो गड्डी से नीचे पैर भी नहीं रखते, हमारे बच्चे ऐसे पानियों में से जा रहे हैं है? तो इसका जिम्मेवार कौन होगा जी? वोट मांगने के लिए तो ऐसे पैरों में पड़ जाए कि बस जैसे तुम नेता और कोई है ही नहीं। मोदी सरकार में यही था, कांग्रेस की सरकार में यही है, फिर मोदी सरकार बनाने का फायदा क्या हुआ? हमने सरपंच बनाया, हमने चलो एक पंडित को बना दिया, मगर चलो ये अच्छा विकास करेगा, वो दूसरे सरपंच को कह रहा है, वो सरपंच को कह रहा है, मतलब इन हम तो फिर आम आदमी है, जो आम पब्लिक है वो तो फिर इनके बीच में फंस रही है ना, ठीक है? वो अपने बैंक बैलेंस से वो कर रहे हैं, ये देखो गंदे पानी में, आपको देख लो, आप 5 मिनट हो गए यहाँ खड़े हो, आपको कैसा फील हो रहा है भाई? वाकई में बहुत भद्दा जो है ये दृश्य है, बहुत ही ज्यादा गंदगी है, बहुत ही ज्यादा बदबू है यहाँ पे मार रही है। बच्चे जाते हैं पानी में, बैग खराब हो जाते हैं, सूज खराब हो जाते हैं, उधर से कंप्लेंट आती है प्रिंसिपल की, आप अपने बच्चों को गंदी ड्रेस भेजते हो पना के, उनको ये नहीं पता कि गंदा पानी है, हमारे तो स्कूलों से कंप्लेंट आ रही है। बच्चों को स्कूल में छोड़ता हो ना सीढ़ी पे ना, या बुग्गी में बैठा कर लेके जाओ जी, इसका बत्ती क्या होगा जी बताओ? जो बस आओ ना बच्चों की, वो बोला भाई यहाँ नहीं लेकर आने के, वही छोड़ का अड्डे पे, अड्डे पे पहले, बाकी बस यही पहले यही आ जाती। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार वो सीढ़ी का रास्ता और दिखा भाई, ये देखो काम वाले इतने परेशान हैं कि गली का रास्ता जो है इनका बंद हो गया है, और फिलहाल बेचारे ओटिड़े कूद कर, हाँ भाई, और वो मेन रास्ता छोड़कर जो है घरों से एक दूसरे के घर से मंडेरा कूद करके सीढ़ी लगा करके मतलब स्कूल की बस तक जाने के लिए, अपनी ड्यूटियों पर जाने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल कैमरामैन से कहूंगा भाई ये दिखा एक बार, इस तरीके से आवा जावा जी हम, तो ये देख सकते हैं भाई, दिन में भी आओ तो दिन में 20-30 बार आना पड़ेगा, तो इसके नहीं जाना जाना जी हमारा। तो भाई शर्म की बात है ये प्रशासन के लिए, देख ये देखो भाई, ये देखो किस तरह से इस लड़के को अभी चोट लगते लगते बची है, इस तरह से जो है यहाँ बेचारे अपनी जान जोखिम में डाल के जो है रास्ता पार कर रहे हैं। बड़े बुड्ढे तो आते नहीं जी, बड़े बुड्ढे तो आते ही नहीं, वो तो अंदर के अंदर ही है जी। तो भाई प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसा मत करो, इनकी सुनाई करो और इस रास्ते का जो है कुछ ना कुछ समाधान किया जाए, ताकि इन लोगों का आने जाने का रास्ता खुल सके और बच्चों को जो है स्कूल आने जाने में, लोगों को जो है ड्यूटी पर आने जाने में या बाहर भीतर जाने में कोई परेशानी ना हो। तो 1% घट बत्ती, कोई दुकान पर सामान लेने भी नहीं आता जी,
और बच्चों की कितनी दिक्कत है यार। आम आदमी भी आना गुआंड का भी आदमी बोला भाई कौन सा सरपंच बन रहा है भाई, बहुत बढ़िया सरपंच बन रहा है, सरपंच की जय जयकार लगाओ मैं तो कती बहुत बढ़िया। तो भाई आप देख सकते हैं रिश्तेदार भी नहीं आते जी यहाँ, बेरा लग गया ना रिश्तेदारों में पानी है, रिश्तेदार आते नहीं जी, जब पानी सूख जाएगा जब आओगे जी। रिश्तेदार क्यों आओगे हम तो बीमार है भाई, चलो फिलहाल इन तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिलहाल जो है प्रशासन के अधिकारी जो है उनसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है, भाई इन ग्रामीणों की तरफ देखो, आप देख सकते हो ये कितने बेचारे लाचार हैं, बेबस हैं, ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि भाई इतने बड़े गांव में इतने बड़े पानी का समाधान जो है जोड़ का समाधान ये अकेले नहीं कर सकते, प्रशासन को यहाँ आके इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। सरपंच के पास भी गए थे जी, सरपंच बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, प्रशासन ऊपर से पैसे नहीं दे रहा, क्या इस जनता के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास? टैक्स लेने को तो सबसे पहले सरकार हर तेल में टैक्स देते हैं, लाइट में टैक्स देते हैं, हर जगह टैक्स दे रहे हैं हम, फिर सरकार के पास पैसा खत्म हो गया क्या? भाई देखो सरकार ये आम आदमी पैसे देने के लिए तैयार है सरकार, अगर सुबह इसको निकलवाती है तो सारे पैसे दे देंगे अगर सरकार ये बोल दे कि हमारे पास पैसा नहीं रहा तो। भाई ये शर्म की बात है, देखो इस भाई ने जो बोला है वो बहुत ही मतलब शर्मनाक है सरकार के लिए प्रशासन के लिए। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और भाई ये भी इस वीडियो ने शेयर कर दो, लाइक कर दो, और भाई कमेंट कर दियो मर्यादित भाषा में, मर्यादित भाषा में कमेंट करके बता दियो भाई ननेड़ा ग्राम के जो ग्रामीण हैं ये वाकई में दुखी हैं, इनकी कुछ हेल्प होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैं सुनील गौतम, एंडी छोरा गौतम के साथ, धन्यवाद।